एवरीवन, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, देन ट्रांसलेट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मेरे परिवार में 7 लोग हैं. मेरा एक छोटा भाई और बड़ी बहन है. मेरे पिताजी 50 साल के हैं, वह एक डॉक्टर हैं. मेरी माँ 45 साल की है, वह एक अकाउंटेंट है. मेरा भाई 15 साल का है, वह स्कूल जाता है. मेरी बहन 21 साल की है, वह कॉलेज जाती है. मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं. वे हमेशा हर सुबह व्यायाम करते हैं. वे बहुत स्वस्थ हैं. मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ. मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ. जब भी आपसे कोई पूछता है टेल अबाउट योर फैमिली, तो इस तरीके के सेंटेंस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे. तो चलो अब ट्रांसलेट करते हैं. मेरे परिवार में 7 लोग हैं. मेरे परिवार मतलब माय फैमिली. 7 मतलब 7. लोग के लिए आप पीपल और मेंबर दोनों यूज़ कर सकते हैं. तो चलो ट्रांसलेट करते हैं. देयर आर अ 7 पीपल इन माय फैमिली, और यू कैन से अदर वे पे ये भी कह सकते हैं, देयर आर 7 मेंबर इन माय फैमिली. मेरा एक छोटा भाई है और बड़ी बहन है. बड़ी बहन मतलब एल्डर सिस्टर, छोटा भाई मतलब यंगर सिस्टर. छोटे के लिए यंगर, बड़े के लिए ओल्डर यूज़ किया जाता है. यहाँ पे हैव का यूज़ इसलिए किया गया है जब भी हमारे पास कुछ चीज़ होने के सेंस में, जैसे इसके पास उसका भाई है, इसलिए यहाँ पे हैव यूज़ किया गया है. तो कंप्लीट सेंटेंस होगा, आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड ओल्डर सिस्टर. यहाँ पे एक ही भाई है तो आपको वन लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एक आर्टिकल ए का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, राइट. यदि एक से अधिक, यदि दो भाई हैं, तो आप यहाँ पे टू यंगर सिस्टर या फिर टू यंगर ब्रदर, इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ एक छोटा भाई है तो यहाँ पे ए आर्टिकल बस आएगा, वन लिखने की ज़रूरत नहीं है. मेरे पिताजी 50 साल के हैं. मेरे पिताजी मतलब माय डैड. वह एक डॉक्टर हैं. माय डैड इज 15 ईयर्स ओल्ड. यहाँ पे वह मतलब कि मेल के लिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है. यहाँ पिताजी हैं, उनके स्थान पर हम प्रोनाउन ही यूज करें हैं. तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, मेरे पिताजी 50 साल के हैं. माय डैड इज अ 15 ईयर्स ओल्ड. वह एक डॉक्टर हैं. ही इज अ डॉक्टर. मेरी माँ 45 साल की है. वह एक अकाउंटेंट है. मेरी माँ मतलब माय मॉम. माय मॉम इज 45 ईयर्स ओल्ड. वह यहाँ पे वह जो है, यहाँ पे इसकी माँ के लिए यूज किया गया है जो कि फीमेल है. तो ये यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, राइट. तो सी इज एन अकाउंटेंट. आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब मैं अकाउंटेंट में ए जो है हमारा वोवेल साउंड करता है, इसलिए हम इसके आगे एन आर्टिकल का यूज करेंगे. तो कंप्लीट सेंटेंस यूज होगा, माय मॉम इज 45 ईयर्स ओल्ड, सी इज एन अकाउंटेंट. मेरा भाई 15 साल का है. मेरा भाई मतलब माय ब्रदर इज अ 15 ईयर्स ओल्ड. वह स्कूल जाता है. वह स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट. तो यहाँ भाई है मतलब मेल, ठीक है. यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज करेंगे. और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे गो के साथ ES लगाया गया है, ताकि इस वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जा सके, राइट. इसलिए यहाँ पे ही गोज टू स्कूल कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. मेरा भाई 15 साल का है. माय ब्रदर इज 15 ईयर्स ओल्ड. वह स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. मेरी बहन 21 साल की है. वह कॉलेज जाती है. मेरी बहन मतलब माय सिस्टर 21 साल की है. माय सिस्टर इज 21 ईयर्स ओल्ड. वह कॉलेज जाती है. यहाँ पे फीमेल है मतलब लड़की के लिए प्रोनाउन यहाँ पे सी यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है सी गोज टू कॉलेज. ये भी प्रेजेंट टेंस का ही है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा यहाँ पे, इसलिए इसके साथ भी सी गोज टू कॉलेज लिखा हुआ है. मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं. मेरे मतलब माय ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी दोनों आते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी.
हमारे साथ रहते हैं मतलब कि लिव विथ अस। माय ग्रैंड पेरेंट्स आर लिव विथ अस मतलब कि मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं। वे हमेशा हर सुबह व्यायाम करते हैं। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। हमेशा मतलब ऑलवेज। दे मतलब वे। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बनेगा दे ऑलवेज डू। डू मतलब करते हैं या करने से सेंस भी यूज किया जाता है। दे ऑलवेज डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। वे बहुत स्वस्थ हैं। वे मतलब दे बहुत स्वस्थ हैं मतलब वेरी हेल्दी। दे आर वेरी हेल्दी। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। बहुत खुश मतलब वेरी हैप्पी। विथ माई फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।